सोलन के पर्यटक स्थल बड़ोग में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। पर्यटक स्थल होने के बावजूद पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों को ना तो सही तरीके से यहां पानी की सुविधा उपलब्ध है और ना ही इस पर्यटन स्थल पर सार्वजनिक शौचालय की सुविधा है, जिसे यहां आने वाले पर्यटक सहित स्थानीय दुकानदारों को खुले में शौच करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एडीएम सोलन संदीप नेगी ने बताया कि न्यायालय में बड़ोग में बने हुए सार्वजनिक शौचालय को लेकर केस चल रहा है, जिस कारण शौचालय अभी बंद है। उन्होंने कहा कि शौचालय के लिए प्रशासन की तरफ से बड़ोग के दोनों तरफ वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था बनाने के लिए पंचायत और बीडीओ ऑफिस को भी निर्देश जारी किए गए हैं। सार्वजनिक शौचालय जो बड़ोग का है, उसमें किसी न्यायालय में केस चलाया, जिस कारण वो अभी बंद है। और जहाँ तक सफाई व्यवस्था का सवाल है, तो उसमें निर्देश दिए जा चुके हैं कंसर्न पंचायत को और बीडीओ ऑफिस सोलन को कि सफाई व्यवस्था सुधारें। जो सार्वजनिक शौचालय है, जहाँ तक उसका प्रश्न है, उसमें हमने वहाँ पास ही देवघाट में बायोडाइजेस्टर टॉयलेट लगा है और दूसरी तरफ है बड़ोग के दूसरी तरफ जो है वहाँ पे भी हमने एक बायोडाइजेस्टर टॉयलेट लगाया है। इसके साथ ही हमने पंचायत को और बीडीओ ऑफिस वालों को निर्देश दिए हैं कि अगर बड़ोग प्रॉपर में कोई बायोडाइजेस्टर टॉयलेट लगाए जाने की आवश्यकता है, तो उसकी प्रपोजल बना के जो है हमारे कार्यालय को भेजें। बता दें कि आने वाले महीनों में यहां पर पर्यटन व्यवसाय अपने पूरे चरम पर होगा और यहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे, लेकिन उनको यहां पर किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती है, जिससे पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी भारी परेशानी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।